आपका जन्म कहाँ हुआ? हॉस्पिटल में. ओके. जनरली लोगों की डेथ होती है कहाँ होती है? मैक्सिमम मामलों में कहाँ? हॉस्पिटल. तबीयत बिगड़ी, आप कहाँ ले गए? हॉस्पिटल. वहां व्यक्ति ज्यादा सुखी दुनिया में चला गया भगवान के पास. अब मेरी बात सुनो, बड़े गौर से सुनो. तो जिंदगी का डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स लगाओ ना. कहां जन्म? हॉस्पिटल. कहां डेथ? हॉस्पिटल. डिस्प्लेसमेंट जीरो. इंटीग्रेशन भी कहां से कहां तक? वन से वन तक. वैल्यू ये, यानी x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 0 है. यानी कि 1,0 पर हमको टेंजेंट निकालना है. अब फिर से मैं आपको आगे की चीज सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सीखना और समझना. रटना नहीं. मेरे को गर्मी बहुत हो रही है, पंखे चला नहीं सकता, नहीं तो नॉइज बढ़ जाती है कैमरे की, इसलिए थोड़ा अव्यवस्थित हो रहा हूं. ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे सुनिएगा. y इज इक्वल टू पी एक्स से क्यू एक्स. और यहां पे मान लो जी टी है फंक्शन. ठीक, इतना है. तो इसका इंटीग्रेशन हो गया. क्या क्या हो गया? इसका इंटीग्रेशन हो गया. तो y बराबर ये हो जाएगा कैपिटल जी टी. फंक्शन चेंज हो जाएगा ना. एक्स क्यूब है तो x की पावर 4/4 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका नाम इंटीग्रेशन हो गया. अब बड़े गौर से सुनो प्यारे प्यारे दोस्त. लोअर लिमिट है पी एक्स, अपर लिमिट क्या है? क्यू एक्स. यस, बड़े गौर से प्यार से सुनना. अब अपन ने इसको सॉल्व किया तो ये क्यू एक्स रखा अपन ने, अपर लिमिट रखी जी क्यू एक्स. हाँ, माइनस जी ऑफ क्यू एक्स. आई एम सॉरी, जी ऑफ पी एक्स. सॉरी, ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा. सुनो ना, सुनो ना. अब इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्स से लेकर क्यू एक्स तक का जीटी डीटी. अरे हाँ, अब मेरी बात सुनो दोस्त. हाँ, सुनिएगा. यानी तुम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो जी ऑफ क्यू एक्स माइनस जी ऑफ पी एक्स. ठीक है, अब आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन आता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, अब मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया, वापिस क्या एक्स क्यूब, तो स्मॉल जी का इंटीग्रेशन किया, कैपिटल जी मिला. अब कैपिटल जी का डिफरेंशिएशन बोलो ना. हाँ, क्या? वापिस स्मॉल जी, तो कैपिटल जी की जगह आया स्मॉल जी. अब फिर यहां जगह नहीं बची, यहां लिखता हूं स्मॉल जी, मगर जो गोद में है वो तो गोद में रहेगा ना, गोद भराई हो गई उसकी. अब कोई गिफ्ट थोड़ी वापस ले लेगा. फिर जो गोदी में है उसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे. हाँ, डॉट
क्यू डैश एक्स, ये क्यू है ना, ठीक, माइनस, अब इसकी बारी स्मॉल जी पी एक्स, यस, फिर पी को भी तो कर डालो ना, दिस इज कॉल्ड न्यूटन लेबनीज थ्योरम, और तुम्हारी कसम मैं सच बोल रहा हूं, क्या सच बोल रहा हूं, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था उस पहले साल मेरे को ये थ्योरम नहीं आती थी, मेरे टीचर ने सिखाई होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, तो मुझे नहीं आती थी, और आईआईटी 2008 का पेपर आप उठाइए, उसमें एक लिमिट का क्वेश्चन है, उसमें ऊपर इंटीग्रेशन है और नीचे शायद x इंटू साइन x है, तो वो क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा, मैंने कहा भाई इसको सॉल्व तो अपन को करना है, तो मैंने सोचा लास्पिटल रूल लगाते हैं, जैसे आप एल हॉस्पिटल बोलते हो उसका सही नाम लास्पिटल, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन, अब मैं पहली बार तो ये चीज लगा रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे से पहले न्यूटन और लेबनीज दो दो गणितज्ञ मिलकर इसकी खोज किए, उस दिन मैंने अकेले ने खोज कर दी, तुम्हारी कसम, मैंने ये पूरा प्रोसेस पहले तो ब्रेन में किया, फिर उसको अप्लाई करके सॉल्व कर दिया, आज भी उसका सबूत मेरी वेबसाइट पर है, techoclasses.com वेबसाइट ओपन करना, सॉल्यूशन ऑफ JEE ओपन करना, मेरे हैंडराइटिंग के सॉल्यूशन है उधर पे आज भी, और खास बात मालूम क्या है, सेम डे वो सॉल्यूशन शाम के पेपर में 10,000 छपवा के बंटवा देता था, मेरे को मतलब सॉल्यूशन का टाइम सिर्फ 45 मिनट मिलता था, बाकी तो छपाई प्रिंटिंग बंटवाना, हाँ पहले इंटरनेट ऐसा दमदार थोड़ी था, 2008 की बात कर रहा हूं, तो ये जब भी पढ़ाता हूं खुशी का मौका होता है कि दो बड़े वैज्ञानिकों ने मिलकर जिसकी खोज करी मैंने अकेले ने करी थी, तो ये भगवान की मुझ पर दया है, कृपा है, मेरी कोई औकात नहीं, ठीक है, तो आप इसको लिखिए, फिर इसका यूज मैं इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूं, जल्दी लिखो प्यारे बच्चे, मैं खिसक जाता हूं, आप पॉज का बटन दबाओ और इसको नोट डाउन करो।